वेलकम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मूंग और मसर की दाल को क्विकली और मज़ेदार बनाने का आसान सा तरीका। तो इस दाल के बहुत से फ़ायदे हैं और ये दाल बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये दाल कैसी लगती है और आप इसे कैसे बनाते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही आसान सी रेसिपी बताऊंगी। वीडियो का एंड तक देखना है क्योंकि इसका जो सारा लज्जत का राज है वो इसके तड़के में है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, इसको हमने 250-250 ml जो है दोनों दालें ले ली हैं और फिर हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। दोनों को साफ़ करने के बाद, दाल को अच्छे से पहले आपने साफ़ करना है और फिर इसको आपने मिक्स कर लेना है दोनों को। और ये जो है ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरी हमारी दाल है। पैकेट वाली ले लें तो वो भी साफ़ होती है। उसके बाद बारी आती है इसको वॉश करने की। तो जी, हमने इसको डाला है कढ़ाई में और इसको हमने 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लेना है ताकि जो इसका मिक्सचर है वो अच्छे से निकल जाए। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसको साथ साथ हिलाते जाना है ताकि जो नीचे से जो मतलब मिट्टी वगैरह बैठी हो तो वो भी निकल जाए। ये सारा गंदा पानी निकाल देना है। इसी तरह से दोबारा से हम प्रोसेस करेंगे, दोबारा से ऐसे ही धोनी है जब तक पानी साफ़ ऊपर नहीं आ जाता। तो ये देखें, दोबारा हमने पानी डाल लिया और हम दोबारा इसको धो रहे हैं। अच्छे से कोई भी चीज़ साफ़ सुथरी धो के पकाई हो तो उसका भी लज्जत का कुछ और ही मज़ा होता है। तो चीज़ों को साफ़ सुथरा बनाया करें। तो जी, ये हमारी दाल हो गई है साफ़। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमने इसमें लेना है इतना कि ये इसके तकरीबन 3 से 4 इंच इससे ऊपर हो दाल से, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसमें दड़ा मिर्च ऐड करनी है। लाल मिर्च नहीं शामिल करनी, तड़ा मिर्च ऐड करनी है, इसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। उसके बाद हमने इसमें डाल दी है हल्दी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये मसाले यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें। साथ में नमक ऐड करने के बाद हमने इसको रख दिया है चूल्हे पर। और ये देखेंगे, हमारी दाल जो है वो पकना स्टार्ट हो गई है। इसको हमने धीमी आंच पे पकाना होता है। ये सिर्फ आधे घंटे में तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो जी, ये देखें, हमारी दाल इस तरह से गाढ़ी हो गई है। जब ये इतनी गाढ़ी हो जाए तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। और अगर आपको पतली पसंद है तो वैसे आप पतली भी रख सकते हैं, लेकिन हम इस तरह के खाते हैं। बारी आती है तड़के की, तो तड़के लिए हमने खुला घी लेना है, लाइक मतलब ज़्यादा घी लेना है और अच्छे ब्रांड का घी लेना है। और फिर उसके अंदर हमने एक मुट्ठी जो थूम है जिसको हम लहसुन कहते हैं और गार्लिक कहते हैं, उसको हमने ऐड कर लेना है पीस के। और साथ हमने 3 जो है बड़े साइज़ की ग्रीन चिलीज, उसको हमने सेंटर से काट के ऐड कर देना है, ठीक है। आँच हमने इसकी भी धीमी रखनी है, लाइक मीडियम आँच रखनी है, ना बहुत तेज़ हो ना बहुत कम हो। और इसके बाद हमने इसमें लाहौरी मिर्चें जो हैं वो 5 से 6 अदद ऐड कर दी हैं। और साथ ही साथ हमने काली मिर्चें और थोड़ा सा गरम मसाला जो है उसको पीस के रख लिया था, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये देखें, ये हमने ऐड कर दिया। इसको अब हमने हिलाना है और अच्छे से इसको पकाना है। इतना पकाना है कि ये हमारा जो मसाला है, जो लहसुन है, ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए। बाकी चीज़ें नहीं आपने लाल करनी, क्योंकि वो तो फिर जल जाएगा मिर्चों को लाल करते करते। तो ये देखिए, हमारा मसाला तकरीबन भुनने के करीब आ गया। इस तरह से मीडियम आँच पर इसको पकाना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ें हमारी साबित हैं और ये बहुत अच्छी इनकी लुक आ गई है। हमारा जो तड़का है वो तकरीबन रेडी हो गया है। अब हमने इसको दाल के ऊपर डाल देना है और ये हमारी मज़ेदार सी बहुत ही लजीज दाल जो है वो तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत मज़े की बनी थी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़रूर से शेयर कर दिया करें। सबकी तरफ से प्यार होता है और हौसला अफजाई होती है जो हमें मिलती है।